दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है। इन्होंने मुझे कॉल किया था कि भाई मुझे J7X का FRP अनलॉक करना है और मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है, क्या J7X का FRP अनलॉक हो सकता है। तो मैंने इसे कहा कि भाई आप जो है मिरेकल क्रैक 2.54 डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ट्राई कीजिए, और इन्होंने इसमें जो है ट्राई किया और इसका FRP अनलॉक हो गया और इन्होंने हमें जो है वीडियो मेरे व्हाट्सअप पर भेज दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको FRP अनलॉक करना है। FRP अनलॉक करने के लिए सैमसंग पर जाएंगे, फोन को USB केबल से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों मोबाइल को आपको डाउनलोडिंग मोड पर लेकर के जाना है, उसके बाद आपको डाटा केबल से अपने कंप्यूटर में जो है मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट पे स्कैन करना है और सैमसंग का जो है USB पोर्ट यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको राइट प्लेस पर क्लिक करना है, उसके बाद बूट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन फाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है इस मेरिकल क्रैक 2.54 में। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट, यहाँ डिस्प्ले लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और डिस्प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे जब आप, तो उसके बाद यहाँ पे जो है इस फाइल की जो है जितनी भी सारी फाइल है इसके अंदर में वो सारी की सारी जो है फाइल की जो है यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा फाइल का जो लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनमें से आपको सभी का चेक हटा देना है, सभी फाइल से आपको फ्लैश नहीं करना है, केवल आपको बूट इमेज फाइल से फ्लैश करना है मोबाइल को। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और जैसे स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड में आपका मोबाइल जो है फ्लैश हो जाएगा और आपका मोबाइल जो है रिबूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं J7X ये मोबाइल जो है रिबूट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करके देख लेना है कि आपका एंड्रॉइड ADB इंटरफेस शो करना चाहिए। उसके बाद आपको मिरेकल बॉक्स में जाना है एंड्रॉइड टूल में, एंड्रॉइड टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ADB एक्स्ट्रा पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ADB एक्स्ट्रा पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सैमसंग FRP रीसेट, यहाँ पे आपको चेक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में जो यहाँ पे स्टार बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप स्टार बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से FRP रीसेट हो जाएगा और आपका मोबाइल जो है रिबूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने मोबाइल को जो है सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आपका FRP रीसेट हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप टेंशन ना लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी फ्लैश फाइल की। अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप उसे जो है फ्लैश फाइल से फ्लैश कर सकते हैं और आपका मोबाइल जो है कंप्लीट ओके हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो फ्लैश फाइल की लिंक और कॉम्बिनेशन फाइल की लिंक और उसके बाद आपको जो है मिरेकल क्रैक 2.54 की लिंक, इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल देख रहे हैं आप एंड्रॉइड वर्जन 7.0, ठीक है, तो एंड्रॉइड वर्जन 7.0 का आप FRP अनलॉक कर सकते हैं मिरेकल बॉक्स या मिरेकल क्रैक से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।